हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप लोग। मेरा नवील है। एप्पल ने फाइनली बेटा वर्जन जो है आईओएस 17 का नया वाला वो रिलीज कर दिया है। ये है आईओएस 17.1 बेटा 1। अब ये नई सीरीज जो है यहाँ से शुरू होती है बेटा अपडेट्स की, जिसमें क्या कुछ हमको नया देखने मिल रहा है, कुछ इश्यूज सॉल्व हो रहे हैं नहीं हो रहे, ये सब सारी चीजें जो है आपको समझ में आने लगेगी। आपको ये अपडेट करना है तो आपने अगर पहले ही बेटा अपडेट्स के लिए एनरोल करके रखा है तो बेटा अपडेट्स में जाके आईओएस 17 का डेवलपर बेटा या पब्लिक बेटा आप चूज कर सकते हो। फिर उसके बाद आप अपडेट के बारे में सर्च कर सकते हो यहाँ पे, और अपडेट आपके सामने जो है आ जाएगी सेटिंग जनरल अबाउट सॉफ्टवेयर अपडेट। अब आप लोग iOS 17.0.1 या 0.2 पे चल रहे हो तो चलिए उस पर कोई बात नहीं, लेकिन इस वाले अपडेट में क्या कुछ नया है वो तो आप समझ ही सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं अपडेट के साइज की, तो 6.31 GB का अपडेट आया है। इतना बड़ा इसलिए आया है क्योंकि 17.0.2 जो स्टेबल वर्जन था उस पे से अब बेटा वर्जन पे आया, तो पूरा जो iOS सिस्टम है वो रीइंस्टॉल होता है यहाँ पे। अपडेट से पहले यहाँ पे देख सकते हैं जो iOS वर्जन था 17.0.2 था मेरे 14 प्रो मैक्स के ऊपर, 15 प्रो मैक्स यहाँ पे रखा हुआ है। अब ये स्टेबल वर्जन पे चलेगा और ये वाला जो है बेटा वर्जन पे चलेगा। अवेलेबल फ्री स्पेस था अपडेट से पहले का 714.87 यानी कि 15 GB के आसपास अवेलेबल फ्री स्पेस था। और यहाँ पे देख सकते हैं ये है बिल्ड नंबर अपडेट से पहले वाला, और मॉडेम फर्मवेयर की बात करें तो 8.02 यहाँ पे था अपडेट से पहले, और अभी अपडेट के बाद जो है 17.1 आ चुका है, 714.35 GB है, यानी कि कुछ 100 MB से जो अवेलेबल फ्री स्पेस है वो घटी है। अपडेट के बाद का जो बिल्ड नंबर है उसके एंड में H है क्योंकि ये पहला बेटा है, धीरे धीरे करके वो A पे जाएगा, उसके बाद RC वर्जन आएगा, उसके बाद फाइनल स्टेबल वर्जन आएगा 17.1 का। 17.1 के अंदर हमको एक नया मॉडेम फर्मवेयर भी देखने मिल रहा है जो कि 2.10.01, तो नेटवर्क रिलेटेड इश्यूज और प्रॉब्लम्स जो है यहाँ पे एप्पल में भी सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है इसकी जरिए से। यहाँ पे एप्पल म्यूजिक से रिलेटेड कुछ चेंजेस एप्पल ने किया है। एप्पल म्यूजिक का अगर आप इस्तेमाल करते हो तो यहाँ पे आपको अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट देखने मिलेगी, सॉन्ग्स को आप फेवरेट के तौर पे ऐड कर सकते हो अपनी फेवरेट प्लेलिस्ट में। साथ ही यहाँ पे कोई भी सॉन्ग आप प्ले करते हो और बाहर आ जाते हो तो यहाँ पे जो लाइव एक्टिविटी वाली स्क्रीन पे लॉक स्क्रीन पे दिखाते रहता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप ये फेवरेट वाला आपको सिंबल भी देखने मिलेगा जहाँ पे टैप करके आप डायरेक्टली इसको फेवरेट बना सकते हैं। सेटिंग्स के अंदर साउंड एंड हैप्टिक्स में जब आप आएंगे, ये स्टेबल वर्जन पे है, ये बेटा वर्जन पे है, यहाँ पे देखेंगे तो जो रिंगटोन्स थे ये नए वाले सारे, और नीचे आने के बाद आपको क्लासिक मिलते थे, यहाँ पे सारे पुराने वाले रिंगटोन्स ही आपको जो है देखने मिलेंगे आपके फोन में। अभी तो यहाँ पे कुछ गड़बड़ चल रही है एप्पल की तरफ से और चेंज कर रहा है कुछ ना कुछ, और फिर क्लासिक का ऑप्शन मिलता है जिसके अंदर ये क्लासिक वाली रिंगटोन्स आपको देखने मिल जाती है। तो कुछ यहाँ पे रिंगटोन जो है गायब किया एप्पल ने इस वाले वर्जन से, मे बी फ्यूचर अपडेट्स में आएगा ये। अब यहाँ पे वो नया फीचर आ चुका है दोस्तों एयरड्रॉप वाला, दो डिवाइस को नजदीक लाके हम एयरड्रॉप तो कर सकते थे आपको पता है, लेकिन यहाँ पे आप सेटिंग जनरल एयरड्रॉप के अंदर अगर आप आ जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं आउट ऑफ रेंज अगर आप चले जाते हो किसी को सेंड करके कुछ एयरड्रॉप पे फाइल, तो वो आप डेटा पे कंटिन्यू कर सकते हो। तो यहाँ पे यूज सेलुलर डेटा का ऑप्शन है, इसको आप ऑन रख सकते हैं या ऑफ भी रख सकते हैं। जब वाईफाई अवेलेबल नहीं रहेगा तो उस टाइम पे सेलुलर डेटा का इस्तेमाल करके भी वो फोटो वीडियो जो है एयरड्रॉप के जरिए से दूसरे आईफोन यूजर के पास आपकी जा सकती है। तो ये फीचर जो है एब्सेंट था, अब आ चुका है यहाँ पे। 14 प्रो मैक्स और 14 प्रो डिवाइसेस जो है उनके लिए यहाँ पे जब आप फ्लैश लाइट ऑन करते हो तो डायनामिक आइलैंड में आपको फ्लैश लाइट देखने मिल जाएगी। ये 15 सीरीज के अंदर ऑलरेडी मौजूद है, यहाँ पे देखते हैं हम करके तो देख सकते हैं 15 प्रो मैक्स में जो है फ्लैश लाइट दिखा रहा है, और 14 प्रो भी है मेरे पास, उसके अंदर मैं आपको ये चीज करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं फ्लैश लाइट ऑन किया तो डायनामिक आइलैंड में नहीं जा रही, लेकिन इस वाले में जा रही है। अब यहाँ पे जो चीज न्यू नहीं आई है इस वाले अपडेट में वो हम देखते हैं सेटिंग के अंदर बैटरी में जाके और बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में जाके, कि ऑप्टिमाइज बैटरी चार्जिंग का सिर्फ एक ही ऑप्शन यहाँ पे है। अभी हाई टाइम है कि एप्पल ये सॉफ्टवेयर फीचर जो है उसको एनेबल कर दे। जैसे यहाँ पे मैं अपने 15 प्रो मैक्स पे आपको बैटरी के अंदर बैटरी हेल्थ एंड चार्जिंग में ले जाके दिखाता हूँ कि यहाँ पे चार्जिंग ऑप्टिमाइजेशन करके टैप दिया, और इसके अंदर जब हम जाएंगे तो यहाँ पे 80% चार्ज की लिमिट हम लगा सकते हैं। 80% जब पहुंच जाएगा तो ऑटोमेटिकली चार्जिंग बंद हो जाएगी और हमारी बैटरी जो है उसकी हेल्थ मेंटेन रहेगी अच्छे से। इसके अलावा जो नया वॉच ओएस आया है उसके अंदर भी एप्पल वॉच सीरीज 9 और वॉच अल्ट्रा, ये सीरीज 9 है मेरे हाथ में, इसमें वो डबल टैप वाला फीचर जो है एनेबल नहीं किया एप्पल ने, और जो लोग वॉचेस पे चल रहा है वो इन स्पेसिफिक वॉचेस का फीचर नहीं है बट उससे बहुत ही सिमिलर है, और वो असिस्टिव फीचर है डायरेक्ट। इसमें डबल टैप जो बिल्ट इन आने वाला है सीरीज 9 वगैरह में वो फीचर नहीं है, और सीरीज 9 का ऑलरेडी वीडियो मैं सुबह डाल चुका हूं, वो चैनल पे आप देख लेना कि इसके अनबॉक्सिंग और रिव्यू जो है और क्या कुछ इसमें नया है। रिलीज नोट्स चेकआउट कर लेते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ जो है रिजॉल्व हुआ है, तो काफी कुछ जो है यहाँ पे रिजॉल्व हुआ है। रिमोट विजेट से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, नेटवर्क से रिलेटेड प्रॉब्लम सॉल्व हुआ है, एप्पल पे एंड वॉलेट में जो नोन इश्यूज है वो यहाँ पे एप्पल ने मेंशन किया है, लेकिन वो अपने यहाँ चलता नहीं है तो यहाँ पे ये बारे में बात करके कुछ फायदा नहीं है। और यहाँ पे अगेन विजेट का एक इशू जो है वो अभी भी मौजूद है जो कि नोन इश्यूज में है, और इसका वर्क अराउंड भी यहाँ पे एप्पल ने दिया है। तो कुछ इशूज है लेकिन बहुत ज्यादा नहीं है। बग्स की अगर बात करें तो यहाँ पे वही नोटिफिकेशन का जो बग है वो आपको एक देखने मिलेगा इसमें, अभी फिलहाल इसमें कुछ नोटिफिकेशन है नहीं, वरना मैं दिखा देता आपको। इस वाले में दिखा देता हूँ, देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे झटका लगता है वो झटका जो है आपको 17.1 के अंदर भी जो है देखने मिलेगा। तो ये एक स्मूथनेस जो है नोटिफिकेशन में एप्पल अभी तक नहीं लेके आ पाया। और स्टोरेज बग है कि नहीं इस वाले में वो देख लेते एक बार, सेटिंग जनरल आईफोन स्टोरेज में जाते हैं, इसको लोड होने देते हैं। और यहाँ पे स्टेबल वर्जन वाला फोन भी मैं साथ में लेके आता हूँ 15 प्रो मैक्स, देख सकते हैं बहुत ही सिमिलर है यहाँ पे जो स्टोरेज ऑक्यूपाई किया है क्योंकि इसी फोन का मैंने क्लोन बनाया इसको। और यहाँ पे सिस्टम डेटा अगर आप देखेंगे तो जो फोन मैं प्राइमरी फोन के तौर पर यूज कर रहा हूँ उसमें तो 1.7 GB का या 1.07 GB का डेटा जो है स्पेस ऑक्यूपाई करके रखा है, लेकिन वही इस बेटा वर्जन वाले आईफोन जो मेरा प्राइमरी फोन अब नहीं रहा है उसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 20 GB
जीबी जो है वो सिस्टम डेटा ने इस्तेमाल करके रखा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे स्टोरेज रिलेटेड थोड़ा सा इशू या बगीनेस है बोल सकते हैं आप। अगर इसमें होता वो प्रॉब्लम तो मैं समझ सकता कि हाँ भाई उतना जो है ऑक्यूपाई करके रखा है, क्योंकि यहाँ पे अगर आप सिस्टम डेटा में जाएंगे तो देख सकते हैं कि फ्लक्चुएट होता है। यहाँ पे साफ तो लिखा है इट विल फ्लक्चुएट, इट विल वेरी, जितना आप यूज करेंगे उतना। तो ये तो मैं उतना यूज नहीं कर रहा जितना 15 प्रो मैक्स यूज कर रहा हूँ, फिर इसमें इतना क्यों सिस्टम डेटा ऑक्यूपाई करके रखा है इसने। अब नेटवर्क रिलेटेड वैसे तो कोई इशू यहाँ पे है नहीं, इसके अंदर आप देख सकते हैं नेटवर्क जो है वो डिसेंट ही है। ऑफिस मेरा एक ऐसी जगह पे जहाँ पे इतना अच्छा नेटवर्क नहीं आता, फिर भी ठीक है। और ये नो सर्विस दिखा रहा है, एक्चुअली वो ईसीएम है जो मैं बंद कर चुका हूँ और दूसरे फोन में ट्रांसफर कर चुका हूँ। जो सिम कार्ड मैंने डाला है फिजिकल एयरटेल वाला वो यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे बाकी नेटवर्क रिलेटेड कोई इशू मुझे है नहीं। वाईफाई, ब्लूटूथ, एयर ड्रॉप और पर्सनल हॉटस्पॉट की सारी चीजें सही से काम कर रही है। रही बात बैटरी लाइफ की, तो देखो ये तो फोन अपना प्राइमरी फोन है नहीं और इसके बारे में बैटरी लाइफ के बारे में बोलना कुछ जो है पॉसिबल नहीं रहेगा मेरे लिए। तो यहाँ पे ठीक ठाक आपको बैटरी लाइफ जो थी स्टेबल वर्जन में वही आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। रही बात बैटरी हेल्थ की, तो यहाँ पे एडिशनल बैटरी ड्रॉप नहीं हुई है, 92% पे ही है अभी भी, जो कि पहले भी थी। ओवरऑल जनरल परफॉर्मेंस अच्छा है गाइस, सारे एप्लीकेशन सब सही से काम करे, मैंने सब कुछ चेक कर लिया है। रही बात बेंचमार्क्स की, तो अब हम गीकबेंच 6 को चेक करेंगे आज से सभी आईफोन्स के ऊपर हमारे। और ये मैं पिछले वीडियो में ही बोल चुका हूं कि आप गीकबेंच 5 क्यों कर रहे हैं, गीकबेंच 6 करो वो लेटेस्ट है। चलिए अब से गीकबेंच 6 ही करेंगे। एक्चुअली होता ही है कि पहले से हम गीकबेंच 5 करते आ रहे हैं टेस्ट, तो कंपेयर करने के लिए भी अच्छा रहता है कोई पुराने फोन से, लेकिन अभी से हम सभी फोन पे इसी को रन करेंगे। तो सीपीयू हिस्ट्री देख लेते हैं बिफोर द अपडेट आफ्टर द अपडेट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2640 था अपडेट से पहले सिंगल कोर का स्कोर और 6803 था, और अपडेट के बाद हुआ है 2646 और 6708। तो 19-20 का फर्क है दोस्तों, थोड़ा बहुत इधर उधर चलता है 50-100 पॉइंट्स। रही बात जीपीयू स्कोर की, तो यहाँ पे जीपीयू की हिस्ट्री दिखा देता हूँ। तो 22825 था स्कोर और अभी है 20653, तो ये अगेन 19-20 का फर्क है। और एवरेज पे भी देखेंगे आप दूसरे 14 प्रो मैक्स का, तो यहाँ पे जो है अपना डिवाइस बेटर ही परफॉर्म कर रहा है। और अगर हम सीपीयू स्कोर को भी चेक कर ले दूसरे डिवाइसेस का जो अपना टेस्ट करते रहते, उसमें भी अपना डिवाइस जो है बेटर ही है। तो यहाँ पे परफॉर्मेंस में कोई ड्रॉप आपको देखने नहीं मिलेगा इस अपडेट के अंदर। तो क्या आपको गाइस iOS 17 बेटा 1 पे अपडेट करना चाहिए या फिर iOS 17.0.2 पे रहना चाहिए? तो सिंपल सा आंसर है दोस्तों 17.0.2 या उसके कोई पुराने वर्जन पे आप रहेंगे तो बेटर रहेगा। 17.1 बेटा 1 पे अपडेट करने की कोई मुझे जरूरत नहीं लग रही, कोई ऐसा फीचर यहाँ पे है नहीं जो आपको टेस्ट करना है बहुत आप एक्साइटेड हो उसके लिए। बस एक बेसिक सा अपडेट है जिसमें छोटे मोटे ट्वीक्स किए हैं एप्पल ने, और उल्टा यहाँ पे स्टोरेज का इशू भी मुझे नजर आ रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि मैंने यहाँ पे अपने प्राइमरी डिवाइसेस को कंपेयर किया। अदरवाइज 19GB 1TB वाले आईफोन के लिए ठीक है, लेकिन थोड़ा सा मुझे यहाँ पे कंसर्न है क्योंकि दूसरे फोन पे अपने उतना स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं किया हुआ है, जो कि मेरा प्राइमरी फोन है। अगेन बोलना चाहूंगा, ये स्पेसिफिकली मेंशन करना चाहूंगा। तो 17.1 बेटा 1 जो है आपको करना है तो करो, नहीं करना है तो मत करो, कि मेरी एडवाइस यही है कि करने की कोई जरूरत नहीं है। और अभी फिलहाल आपका फोन अगर वारंटी के बारे तो कोई भी अपडेट करने से पहले सोच लो एक बार, क्योंकि इश्यूज आ रहे हैं सभी आईफोन यूजर्स को। जो लोग का फोन वो लोग अपडेट कर रहे हैं और अपडेट के बाद कुछ प्रॉब्लम आने के बाद आपको अगर वारंटी नहीं है तो फिर खर्चा करना पड़ेगा, क्योंकि एप्पल ये सब चीजें एक्नॉलेज नहीं कर रहा है फिलहाल। तो दोस्तों कहानी iOS 17.1 बेटा 1 की। उम्मीद करता दोस्तों आपको पसंद आएगा, तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। गुड बाय।